एग्जाम्पल 6.1 में, एग्जाम्पल 6.1 में वो क्या कहता है कि अ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 0.010 सेंटीमीटर, एक टाइनी वाटर ड्रॉपलेट है जिसका रेडियस कितना है जी 0.010 सेंटीमीटर है और डिसेंड्स थ्रू एयर, हवा से नीचे की तरफ आता है, फ्रॉम अ हाई बिल्डिंग, किसी हाई बिल्डिंग से वो नीचे की तरफ आ रहा है, आपने क्या करना है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपने करने क्या है कि इसकी टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, जबकि गिवन दैट क्या क्या वो देता है कि जो एयर की ईटा है, विस्कोसिटी जो है वो है 19 × 10⁻⁶ किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, और डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर वो कितनी कहता है जी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जबकि रेडियस उसने डाटा के अंदर बता दिया और वो रेडियस क्या था 0.010 सेंटीमीटर। अब इसको मैं SI यूनिट के अंदर लेके जाता हूं। अब अगर मैं इसको इशारिया को यहां पे लेके जाता हूं तो 1.010⁻²⁻² सेंटीमीटर। अब हमें ये पता है कि एक मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं जी 100 सेंटीमीटर होते हैं एक मीटर के अंदर। अब अगर इसको मैं पार के अंदर लेके जाऊं तो 10⁻²² सेंटीमीटर मैं कह सकता हूं, और अगर एक सेंटीमीटर के अंदर मैंने देखने हैं तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और 1/10⁻²² मीटर आ गया। तो इधर से हमें क्या मिला कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻²² मीटर। तो अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो 1.010⁻²² सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 10⁻²² मीटर। तो इधर से हमारा रेडियस क्या मिला 1.0, बेस सेम हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो 10⁻²⁻²⁻⁴ मीटर आ गया। तो अब हमने निकालना क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, तो मैं टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लगाता हूं और वो क्या है 2 ρ g r² / 9η। तो मैं वैल्यू पुट करता हूं 2 ρ की वैल्यू है जी 1000 मीन 10⁻³, ठीक है। उसके बाद जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है कि 9.8, और आर की वैल्यू हमें पता है कि 1 × 10⁻²⁻⁴, और आर क्योंकि उसका स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर ले ओवर 9 × ईटा, ईटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 19 × 10⁻²⁻⁶। तो जब इसे कैलकुलेटर की मदद से आप निकालेंगे तो जो फाइनल आंसर हमारा निकलेगा वो हमारा आंसर आएगा 1.1, और क्योंकि आपने सारी SI यूनिट यूज की हैं तो इसकी आपके पास SI यूनिट वेलोसिटी की क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड। आपका रिजल्ट आ गया कि टर्मिनल वेलोसिटी आपकी निकल आई 1.1 मीटर पर सेकंड।